हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल टेक। और एक नए वीडियो में सबका स्वागत है। आज के फ्रेंड्स 20x30 का प्लान किया है हम लोगों ने। उसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में हम लोगों ने ये प्लान किया है। ग्राउंड फ्लोर में आपको एक अच्छा सा कार पार्किंग मिलेगा और एक गेस्ट रूम भी अच्छा सा यहाँ पे मिल जाता है। और फर्स्ट फ्लोर में आपको 2 BHK का घर मिल जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसके घर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आजकल 20x30 भी बहुत लोगों के पास रहता है, मगर अच्छा सा प्लान बना नहीं सकते। हमारे पास सब कुछ आपको प्लान मिल जाता है। सपोज़ आपका कौन सा भी प्लॉट है तो हमको रिक्वायरमेंट कमेंट में रिक्वायरमेंट भेजिए, हम लोगों के आप लोगों के लिए एक अच्छा सा प्लान करके हम लोग डाल देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में 20x30 का फ्रेंड्स 20x30 का प्लॉट है दोस्तों। इसमें हम लोगों ने कार पार्किंग और गेस्ट रूम बनाया। इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान के बारे में हम लोग पहले हम लोग जान लेंगे। आपको एक अच्छा सा एक गेट मिलेगा, आप अंदर आएंगे तो आपको एक बढ़िया सा कार पार्किंग यहाँ पे दिख जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, कार पार्किंग का साइज आके आपको 18.5 फीट और चौड़ाई में है फ्रेंड्स, और लंबाई में देखिए 16.5 फीट है। आराम से आप लोग 2 कार पार्क यहाँ पर कर सकते हो। बाद में आपको छोटा मोटा आपका घर में कौन सा भी छोटा मोटा फंक्शन है तो आप यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हो और एंजॉय भी कर सकते हो। सामने देखिए, आपको एक अच्छा सा एक रूम मिलेगा, उसका नाम है हम लोगों ने बनाया है गेस्ट रूम बोल के। आप लोग कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट हिसाब से आप यहाँ पे भी बना सकते हो। गेस्ट रूम बनाए तो अच्छा होगा, क्यों बोले तो 20x30 में 2 BHK के घर में कोई लोग आए तो रुकने के लिए जगह सफिशेंट से नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोगों ने नीचे ही कार पार्किंग सामने गेस्ट रूम भी बनाए। चलिए उसका गेस्ट रूम का साइज के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। कार पार्किंग से आप अंदर आएंगे तो गेस्ट रूम में आएंगे। गेस्ट रूम का साइज है दोस्तों, देखिए चौड़ाई में आपको 14.5 फीट मिलेगा और लंबाई में आपको 10 फीट मिल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम में आपको एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी यहाँ पे मिल जाता है, इतना बड़ा आपको यहाँ पे नीचे मिल जाता है। ये टोटली 600 स्क्वायर फुट है। हम लोगों ने पीछे विंडो लगाने के लिए और वेंटिलेशन लगाने के लिए यहाँ पे पीछे 2 फीट छोड़ दिया है खुला जगह। क्यों बोले तो कॉमन 20x30 बोले तो टोटल आपको 100 राउंड आपको कॉमन वाली मिल जाता है। इसके लिए हम लोगों ने इतना कुछ आपको दे दिया है, 2 फीट आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। चलिए आप लोग फिर से गेस्ट रूम से बाहर आएंगे तो फिर से आप पार्किंग में आएंगे। पार्किंग में आए तो आपको एक ऊपर जाने का स्टेयरकेस मिल जाता है। आप स्टेयरकेस चढ़ के आएंगे तो फर्स्ट फ्लोर में चले आएंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट फ्लोर में आएंगे तो आपको बड़ा सा पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है एक पैसेज। उसका साइज आके 10 फीट 3 इंच आपको चौड़ाई में मिलेगा दोस्तों, और लंबाई में आपको 5 मिनट का पैसेज यहाँ पे मिल जाता है। आप इवनिंग यहाँ पे टाइम पास भी कर सकते हो फैमिली के साथ। चलिए फ्रेंड्स, आप अंदर जाएंगे तो पैसेज में आपको ये डोर दिख जाएगा। अंदर आएंगे तो आप अच्छा सा लिविंग में आ जाते हो। देखिए फ्रेंड्स, इसका लिविंग का साइज है 9 फीट आपको चौड़ाई में मिलेगा और लंबाई में आपको 11.5 फीट यहाँ पे मिल जाता है। देखिए ये भी आपको सिंगल फैमिली के लिए सफिशेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप आराम से भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। चलिए आपको सामने लिविंग के सामने आपको 2 दरवाज़ा दिख जाता है, वो दोनों दरवाज़ा है बेडरूम का दरवाज़ा मिल जाता है फ्रेंड्स। देखिए दोनों साइज़ एक ही है, बेडरूम का साइज़ 9x8, 9 चौड़ाई में मिलेगा आपको, 8 आपको लंबाई में मिल जाता है। यहाँ पे आप आराम से डबल सेट का एक आपको यूज़ करने के लिए डबल सेट का आपको एक बेड भी मिल जाता है, और आपका कब वार्डरूम भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप। देखिए इतना सब कुछ आपको मिल जाता है, दोनों का बेडरूम का साइज एक ही मिलता है फ्रेंड्स। जगह छोटा है ना, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत छोटा ही आपको यहाँ पे रूम मिल जाता है। आप रूम से बाहर आएंगे तो आपको एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी यहाँ पे मिल जाता है। उसका साइज आके चौड़ाई में आपको 5.5 फीट मिलेगा फ्रेंड्स, और लंबाई में आपको 4 फीट यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे मिल जाता है। अब कॉमन टॉयलेट से बाहर आएंगे तो आप फिर से आपको एक राइट को दिखेगा एक डोर, डोर के आपके सामने दिखेगा अच्छा सा बड़ा सा एक किचन रूम यहाँ पे मिल जाता है आपको। देखिए उसका किचन रूम का साइज आके 11 फीट आपको चौड़ाई में मिलेगा, और लंबाई में आपको 6.5 फीट आपको मिल जाता है, वो भी सफिशेंट आपको इतना सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है आपको। उसके सामने के किचन के सामने आपको एक राइट में लेफ्ट में एक पूजा रूम दिखेगा।
देखिए एक दरवाज़े के अंदर आए तो पूजा रूम भी यहाँ पे आपको कॉमन का मिल जाता है। उसका साइज़ आगे 3.5 फीट आपको चौड़ाई में मिलेगा और लंबाई में आपको 6.5 फीट आपको अच्छा सा बड़ा सा पूजा रूम भी यहाँ पे मिल जाता है। उसके साथ ही आपको एक किचन में सामने देखेंगे तो पूजा रूम के सामने आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा आपको एक यूटिलिटी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको एक अच्छा सा यहाँ पे यूटिलिटी पे मिल जाता है। यूटिलिटी का साइज आगे चौड़ाई में आपको 3.5 फीट मिलेगा फ्रेंड्स और लंबाई में 6.5 फीट आपको यहाँ पे एक अच्छा सा यूटिलिटी भी मिल जाता है। देखिए इसमें आप लोग वॉशिंग मशीन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इतना बड़ा आपको एक यूटिलिटी मिल जाता है। बाद में देखिए कॉमन टॉयलेट का साम का कॉमन टॉयलेट बाथरूम का वेंटिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। क्यों बोले तो जगह नहीं रहता है, क्यों बोले तो 20-30 साइट है ये, 20-30 साइट में हम लोग कुछ भी रखेंगे तो कुछ भी यहाँ पे बीच में देंगे तो आपका जगह बहुत वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए जगह कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए बोल के यूटिलिटी में आपका टॉयलेट बाथरूम का वेंटिलेशन यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पीछे 1 फीट का जगह रास्ता जगह छोड़ा है क्या बोले तो विंडोज़ विंडोज़ लगाने के लिए। क्यों बोले 20x20x30 में कुछ भी हम लोगों ने आजू बाजू विंडोज़ हुआ वेंटिलेशन हुआ लगा नहीं सकते, क्यों बोले तो टोटल कॉमन वॉल रहते हैं। इसके लिए हम लोग आगे और पीछे थोड़ा बहुत जगह छोड़े सोए। देखिए इतना सब कुछ आपको इसमें 20-30 साइट में आपको इतना सब कुछ मिल जाता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। हमको सपोर्ट देखते रहने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए।